इस वक्त बड़ी खबर निकलकर आ रही है उत्तर प्रदेश से, यूपी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी राजस्थान बॉर्डर को सील कर दिया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से, यूपी से निकलकर आ रही है। कांग्रेस बसों को ले जाने पर अड़ी है, लेकिन बॉर्डर को सील कर दिया गया है। आगरा के कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में लिया गया है। राजस्थान बॉर्डर पर कांग्रेसियों और पुलिस के बीच तनातनी हुई है। बड़ी खबर, यूपी राजस्थान बॉर्डर को सील किया गया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे लखनऊ संवाददाता अमरीश सिंह फोनलाइन पर मौजूद हैं। जी अमरीश, क्या कुछ अपडेट है? जी, जहां कल से निजी सचिव को, प्रियंका गांधी जी के निजी सचिव को मुख्यमंत्री की तरफ से, योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई थी, जिसमें उनसे कहा गया था कि 1000 बसों का विवरण भेजिए। विवरण भेजने के बाद यूपी सरकार, जो कांग्रेस उन यूपी सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रही, वो ये है कि विवरण भेजने के बाद 3 बार प्रियंका गांधी जी के निजी सचिव को चिट्ठी भेजी जा चुकी है कि बसों का विवरण भेजिए। पहले आगरा, पहले लखनऊ बुलाए, फिर आगरा बॉर्डर पे भेजे, फिर गाजियाबाद भेजा गया। अब जब यूपी बॉर्डर पर आज दिन भर बसों को रोका गया, तो कांग्रेस अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय कुमार लल्लू जी पहुंच गए यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ और नारेबाजी करने लगे कि जब बसों का विवरण भेज दिया गया है तो उसके बाद क्यों ऐसी आपत्ति जताई जा रही है और राजस्थान बॉर्डर पर रोका जा रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न बॉर्डरों की पुलिस को राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर भेजकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को गिरफ्तार करा लिया और हिरासत में भेज दिया है। तो वहीं अब जब सरकार की किरकिरी होने लगी, तो उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह और वहीं जल मंत्री महेंद्र सिंह जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सफाई देने का जो सिलसिला है ये जारी कर दिया। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जहां मजदूर पत्तियों में इस तरह की राजनीति करना बेहद गलत है और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को भले ही हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन कांग्रेस अभियान अपना जारी रखेगी जब तक मजदूर सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंच। बिल्कुल अमरीश, यहाँ पर एक जानकारी चाहेंगे कि कुछ दिन पहले अभी जब जैसे ही प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, बसें उपलब्ध करवाने की बात कही थी, तो यूपी की योगी सरकार ने अनुमति देने की बात सामने आई थी। क्या हुआ फिर, अनुमति अगर दी गई थी तो फिर बसों को रोका क्यों जा रहा है, बॉर्डर को सील क्यों किया जा रहा है? जी, जहां तक उत्तर प्रदेश, जब हमने बात किया सरकार से, तो सरकार का कहना, 3 बार वो चिट्ठी भेज चुके हैं, अब सरकार का ये कहना है उनके पास जो बसों की लिस्ट, 1000 बसों की लिस्ट आई है वो सही नहीं है, उसमें कुछ टू व्हीलर्स के नंबर हैं और ऑटो के नंबर हैं। इसके आगे सरकार कोई भी बात नहीं कर रही है, सिर्फ इन्हीं दो टूक बातों पर बात कर रही है और इसी दो टूक बातों का अंजाम ये हुआ कि स्वयं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को वहां पहुंचना पड़ा जहां हिरासत में लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें अपनी सफाई का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि सूची सही नहीं दी गई उनको, जिस तरह से सरकार को जो सूचनाएं दी गई थी वो अलग है और अब कांग्रेस कुछ अलग तरीके से अपनी चीजों को पेश कर रही है, ये तो एक दूसरे का आरोप है। लेकिन फिलहाल अभी मजदूरों की बात थी, मजदूरों का पहुंचना बहुत जरूरी है। ये जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप है, ये कहीं ना कहीं भारी पड़ सकते हैं सरकारों पर। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे लखनऊ संवाददाता अमरीश सिंह, जिन्होंने अपडेट दी किस प्रकार से गतिरोध चल रहा है, बॉर्डर को सील कर दिया गया है और मजदूरों को बॉर्डर पर ही इंतजार करना पड़ रहा है।